नाभा विखे पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने नाभा अनाज मंडी का किया दौरा ते आड़ती एसोसीएशन दे नाल कीती मीटिंग। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने केंद्र सरकार से वार करदिया कहा कि जो केंद्र सरकार के वलों हाड़ती की फसल के समय किसानों नूं सीधी पेमेंट पाउण दा फैसला किया है, यह बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार किसानों ते आड़तियों नूं आपस च लड़ाना चाहती है। सुनो अगे की कहना है कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत। मैं सुनी है एक वीडियो कॉल और जिस कहा गया कि हरियाणा ते पंजाब च लागू किया जाएगा सब तो पहला, क्योंकि है ही हरियाणा ते पंजाब च आड़तियों दे जो हैगा MSP और जो केंद्र ने अज ऐलान किया कि आ हाड़ी की जिहड़ी सीजन है ये आड़तियों के राही नहीं खरीदया जाएगा, किसान के खाते सीधी जाएगी। मैनू ये नहीं समझता किसान जाएगा कि किनू कहेगा पैसे दे दो, सीधा खाते किवें पएगा, ये एक जान के खलड़ पाने वाली गल है। और जिहड़ी अति निंदनयोग गल है मोदी साहब थोड़ा ये जान बुझ के स्टेटां नूं तुसीं परेशान कर रहे हो, पहला कल्ले किसान की गल करदे हो, आड़तियों नूं ते किसानां नूं लड़ाउणा चाहुंदे ने। ये लड़ाई पंजाब दे किसान ते आड़ती कदे आपस में नहीं लड़नगे, जो चिरां दा बनिया होया सिस्टम है इहनूं ना तोड़िया जावे और उस मुताबक ही चलिया जाए। नरेंद्र तोमर ने कहा कट जिन्ना मर्जी कर लो कानून वापस नहीं होगा। ये तो देखो गल ये है देश के लोग कट्ठे हुए ने, तोमर साहब तुसी भी इसे देश च रहने हो ना, लोगों ने थोनू वोटा कट्ठ नहीं वोटा पा के तुसी कुर्सी पर बैठे हो, और जब उही कट्ठ उही लोग कह रहे ने सानू ये नहीं चाहिए, इहदा मतलब तुसी जनता नू नकार रहे हो, जनता की कोई सुनना नहीं चाहते। और एक दिन आया खड़ा है थोड़ा, जनता थोनू कुर्सी तो फड़ के चुक के सुटे ही फिर पता लगेगा। अड़ी तो हैगी माड़े बंदे ने तो ही है ना, थोड़ा आप पत्रकारों पता ही है मोदी कितना माड़ा है, वो मंत्री किन्ने, तोमर ने की कहा, तोमर का कहना जिन्ना मर्जी कट कर लो, कट तो भाई हिंदुस्तान का जो बच्चा बच्चा खड़ा है उत्ते हर फिरके का बंदा है, हर फिरके नकार रहे हैं, किसान के मुसलमान भी है, किसान के जट भी है, किसान के जाट भी है, किसान के हरिजन भी है, किसान के होर SC BC लोग सारे ने, वो आड़ती ने शैलर वाले ने मजदूर ने, वो सारे लोग माड़े हो गए, कल मोदी साहब तोमर साहब तुम चंगे हो गए। सो ये तो रावण वर्गिया का अहंकार नहीं रहा, तुम कि बाग दी बोल। हाँ जी कैप्टन साहब ने कहा ना उही गल कर मार दें हो पत्रकार, अज कैप्टन साहब का सवेरे अखबार नहीं पढ़िया, उन्होंने कहा भी तोड़ मरोड़ के बयान लाया गया, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। हिंदुस्तान की सरकार की बेशर्मी है, लोगों धक्का कर रहे हैं, अपनी कच्चे तेल के रेट के हिसाब न अज दुनिया दीमत 25 रुपए लीटर तो वध नहीं चाहिए। ये एक सरमाएदारा तगड़ा करने वास्ते टैक्स से टैक्स ला के मोदी साहब हिंदुस्तान के गरीब अमीर सारे बोझ पा रहे हैं, एक खास करके गरीब से जिन्हें दिहाड़ी जाना, एक लूना च तेल पाना, किसान ने एक ट्रैक्टर च तेल पाना, आ चार चार गुणा रेट वध गए तो किसान मारू देश मारू ये फैसले ने, यह बहुता चिर नहीं चलते। बीजेपी पता ही है थोनू, तुम प्रेस वाले तगड़े हो गए मोदी के खिलाफ बोलो तो सही यार, वहीं डरी जाने मोदी के खिलाफ ठोको जब तक प्रेस नहीं, हिंदुस्तान की प्रेस नहीं बोलती पूरी तरह उदों तक मोदी के कन्न नहीं खुलते। अच्छ तो बोल रहे हैं उच्ची उच्ची बोल रहे हैं, साड़ी कांग्रेस पार्टी की प्रधान बोल रही है, मुख्यमंत्री बोल रहा है, साड़ा पंजाब का प्रधान बोल रहा है, बच्चा बच्चा कांग्रेस का मोदी के खिलाफ बोल रहा। तुसीं मेरी बेनती हथ बन के ठोक के थोड़ा जा मोदी को यह सारा कुछ सुनाओ तो वे कन्न खुलन। सरकार ने जो पैड़ी मंडिया परचेज हुई तो 30% बारदाना देने का वादा किया, 30% भी इन्होंने पूरा नहीं किया, इस करके 50% नाल बारदाना जो नवा मिलता है तो चावल लगते हैं, ये बारदाना मिले 25%, मैनू 25% मिले, बाकी किसी 30 भी मिल गया होगा। तो गड्डिया लगड़िया हूँ बंद हो चुकिया ने, बारदाना रौला पैन एक महीना हो गया, भी 22 रुपये रेट से पंजाब सरकार ने दे के FSI नूं भेजता, लेकिन FSI तो अप्रूव होकर 22 रुपये भी गड्डिया लवा रहे, जोड़ा बारदाना अं 30-32 रुपये लाए, अं 22 रुपये देने तैयार हाँ,
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰਾ ਡਿਪੂ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਸਾਡੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾੜੀ ਆਉਣ 'ਚ। ਜੇ ਹਾੜੀ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਊਗੀ? ਅਤੇ ਲੋਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਾਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਪੈੜੀ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 38 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, 29,800 ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਫਿਰਦੇ। ਕਣਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੂਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜੀਰੀ ਦਾ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਬਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਨੇ 29,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਕਰਦੇ, ਮਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਮਸਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮ ਮਾਮਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਆਹ ਸ਼ੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਵੱਜ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ੈਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਵਾਉਣੀ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਾ TVNRI।